तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिलहाल तो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, मतलब अभी अपडेट तो कुछ है नहीं खास, लेकिन आज हम बात करने वाले भाई जो अपकमिंग मूवीज है ना वो रिलीज होने वाले भाई, जिन पे हम ना कंटिन्यू रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब इतनी हाइप क्रिएट हुई है ना, तो वो रिलीज होने वाली है, मतलब 24-25 ये जो मूवीज हैं। तो सबसे पहले 24 अगस्त को जो मूवी रिलीज होने वाली है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और 24 अगस्त को कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है आप सबको तो पता ही होगा, मैं बात कर रहा हूँ भाई दुलकर सलमान सर की जो अपकमिंग मच अवेटेड मूवी है भाई, पैन इंडिया लेवल की मूवी, किंग ऑफ कोथा की। तो बस आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ना किंग ऑफ कोथा मूवी के मतलब एडवांस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है, क्या हुआ है, मतलब उसके बारे में ही बात करेंगे। तो गाइस, आप सबको पता ही है कि जो दुलकर सलमान सर की जो फैन बेस है ना वो किस लेवल की है। और जब इनकी जो सीरीज आई है ना, क्या गन्स एंड गुलाब्स, यार वो जो सीरीज आई है ना उसके बाद तो जो हाइप की लेवल है यार वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो वो सीरीज थी ना यार, हमने सिर्फ उस सीरीज का ट्रेलर देखा और माइंड में सिर्फ ये आ रहा था कि यार ये जो सीरीज है ये देखनी ही देखनी है। और उसके बाद लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्रेज आ रहा है, जो फैन तो हैं, जो फैन बेस इनकी बनी हुई है वो तो वेट कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो दुलकर सलमान के जो दूसरे फैन बनने वाले हैं वो बड़े ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और भाई और ये फैंस तो एक होता ना कि डे बाय डे ग्रोथ इतनी तगड़ी हुई, क्योंकि आजकल वो एक गाना भी आया भाई हीरी है, उसके बाद ये वेब सीरीज आई, नेक्स्ट अब ये जो तीसरा मतलब तीसरा स्टेप ये है कि जो ये मूवी किंग ऑफ कोथा आने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है इनका जो फैन बेस वो तो तगड़ा है, लेकिन इसमें इतनी तगड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ना कि अब किंग ऑफ कोथा मूवी में मुझे लगता है कि और टिकट्स की बात करेंगे अभी हम टिकट्स के की। और यार जब हमने टिकट्स देखी ना, और ओवरऑल हमें पूरी 5 लैंग्वेजेस में पता तो नहीं चला, क्योंकि हिंदी में अभी हमें पता नहीं चला है, हमने बड़े जगह पर मतलब बड़े सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि यार हिंदी में कितनी सोल्ड आउट हुई है, अभी तक ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिल रही है, सिर्फ 3 लैंग्वेज में हमें पता चली है, पहली मलयालम। और भाई अगर उन लैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेजेस की अगर आप देखोगे ना कि भाई कितनी तगड़ी ग्रोथ है, तो उससे पता चल जाता है कि कितनी हाई चल रही है इस मूवी की। 3 लैंग्वेजेस है, मलयालम, तमिल और तेलुगु, इनके बारे में हमें पता चला है कि इसने हमें इनको ग्रॉस कितनी मिली, कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है और कितने मतलब कितना पैसा छापा है यार। मतलब पहले देखते हैं यहां जाकर कि मलयालम में कितनी ज्यादा सोल्ड आउट हुई है, ये इनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस है। और जो ये जो किंग ऑफ कोथा ये ओरिजिनल मतलब मलयालम से ही बिलोंग करती है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है, और उसके बाद करेंगे कि इतने टिकट पे कितना पैसा छापा है भाई, मतलब कितना पैसा छापा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो टिकट सोल्ड आउट हुई है, लगभग 1,25,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं भाई एडवांस, वो भी मलयालम एक दिन में। यार एक दिन में, अभी तक अभी पूरा एक दिन हुआ नहीं, अभी मतलब की 6:30 बज रहे हैं यार, और इसके बाद भी बहुत, और अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हुई है वो कितनी हुई है, 1,25,000, कोई मतलब मायने रखती है, और वो भी सिर्फ मलयालम में ही। और इसका अगर पैसा देखिए, पैसा कितना छापा है, वो जो ग्रॉस है ना, जो ग्रॉस हुई है वो 2 करोड़ से ज्यादा हुई है यार, सिर्फ एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस होना, और वो भी एडवांस में, और वो भी एडवांस में, वो भी एक ही स्टेट से उन्होंने 2 करोड़ के आसपास की मतलब वो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें तेलुगु से, मतलब तेलुगु जो लैंग्वेज है उसमें अभी तक लगभग ये रख लो कि 10,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, मतलब तेलुगु में भी, मतलब कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है यार। अब मलयालम ओरिजिनल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बात है फैन बेस वहां पर अलग होगा, तो यहां पर थोड़ा फैन बेस अलग है, यहां पर 10,000 टिकट सोल्ड आउट हुई है। और जो ग्रॉस की बात करें तो लगभग ये रख लो कि 1,65,000 के बीच में जो ग्रॉस हुई है वो हो चुकी है, मतलब इतना पैसा इधर छाप चुके हैं। बोलने का मतलब ये है कि तेलुगु में भी 1,60,000-70,000 के आसपास इन्होंने पैसा छाप लिया है। तो एंड में जो तीसरी लैंग्वेज है तमिल, तो इसमें अभी इतना दिख नहीं रहा है उछाल, क्या पता दिन खत्म होते होते इसमें भी उछाल आ जाए, क्योंकि रात को ही सबसे ज्यादा जो टिकट सोल्ड आउट होती है ना वो रात को ही ज्यादा होती है, क्योंकि जो ये 9, 10, 11, 12 का जो सिस्टम होता है तब ज्यादा होती है, तब ज्यादा होती है। और इसमें जो टिकट तमिल में जो टिकट सोल्ड आउट हुई है वो तकरीबन ये मतलब अप्रोक्सीमेटली रख लो 4,500 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, और उस पर पैसा छप गया है अभी तक 55,000 के आसपास छप गया है, मतलब 55,000 से ज्यादा है, हम थोड़ा कम बोल रहे हैं। और ओवरऑल कलेक्शन बताएं फिलहाल, देखो अभी और भी लैंग्वेजेस हैं हिंदी में, और मेरे को लगता है कि हिंदी में क्या पता ज्यादा भी हो सकता है, और मेरे को लगता है कि देखो हिंदी में कम भी हो सकता है, मतलब कि अभी हमें पता नहीं है यार, यहाँ से बोल दें कि नहीं बहुत ज्यादा हुआ होगा। जैसे देखो ना अभी हमने तमिल की बात की, तमिल में अभी मतलब 4,500 ही जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं, तो क्या पता यहाँ पर भी उससे ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक इसलिए दिखा नहीं रहे हैं कि मतलब
अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज से पता नहीं चली, क्योंकि जब तक एक मूवी की ग्रॉस, जब तक एक मूवी की ग्रॉस मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख नहीं होती तब तक दिखाते ही नहीं है फोन पर कि हाँ कहीं किसी भी सोर्स पर दिखाते ही नहीं कि हम मूवी की में कितनी टिकट्स कितनी ज्यादा सोल्ड आउट हुई है। तो फिलहाल देखो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, मतलब टोटल कलेक्शन के बारे में, इन तीन लैंग्वेजेस की, मतलब कि एक दिन की ओवरऑल बात, मतलब और इसमें सबसे पहले तो इन तीन लैंग्वेजेस में कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है वो है 1,38,000, मतलब ये रख लो कि 1,40,000 के आसपास रख लो टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है वो भी एडवांस में। और जो ग्रॉस की बात करें, मतलब कि पैसा कितना छपा है एक दिन में, आधे दिन में रख लो, आधे दिन में कितना पैसा छपा है तो वो हम बता दें आपको, 2.23 करोड़, मतलब कि 2 करोड़ और 23 या 24 लाख के आसपास जो हुआ है ग्रॉस हुई है, मतलब एडवांस हो चुकी है। और अभी भाई कल मूवी रिलीज होने वाली है और ये जो नंबर्स है ना ये तो अभी तीन ही लैंग्वेजेस है, बाकी जो लैंग्वेजेस है उनमें कितना पैसा छापा, कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है फिलहाल उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही कल मूवी रिलीज होगी तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी मूवी की, हमारे रिव्यू का भी जरूर वेट करना क्योंकि हम इस मूवी को देखने जाएंगे और अपना रिव्यू भी आपको अपनी पर्सनली रिव्यू देंगे यार कि हमें कैसी लगी है मूवी, क्योंकि यार इसको जो टीजर ट्रेलर था वो तो बहुत ज्यादा जबरदस्त, और भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा जो इसके गाने है ना, गाने तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उस पर भी हमने जबरदस्त जो उसमें हमने रिएक्शन किया था कि सॉन्ग्स का रिएक्शन भी किया था हमने इस वाले चैनल पे, नहीं हमारा दूसरा चैनल है स्माइल स्नैप्स के नाम से, हम सिर्फ सॉन्ग की ही जो ये होती है ना रिएक्शन हम वो वाली करते हैं, तो आप वहां पर जाकर आप जो सॉन्ग्स की रिएक्शन देखना चाहते हो वहां पर जाकर देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम बोलना ही भूल गए, इस मूवी की बजट, और भाई इस मूवी की बजट है भाई लगभग रख लो 50 से 60 के आसपास, 60 करोड़, मतलब इतना ही था शायद, 60 से 70 करोड़ के आसपास है, हमें उतना पता नहीं है क्योंकि मतलब यार नहीं बताते हैं क्योंकि हम किसी भी सोर्सेज से अच्छे से पूछेंगे ना तो नहीं पता चलता, साठ से सत्तर के बीच में बोल रहे हैं कि 70 करोड़ के बीच, बाकी अगर हमें से किसी को पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि भाई इसका बजट इतना है। और हाँ ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है ये फर्स्ट पहले अपने पहले ही दिन में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर देगी, जबकि अभी भाई पूरे इंडिया में ना गदर 2 का नशा ऐसा छाया हुआ, गदर 2 और OMG 2 उसका लेवल, ये दो मूवीज क्या लगता है आपको कि ये जो किंग ऑफ कोथा आएगी वो इन दोनों मूवीज को पीछे छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, आपने अपनी टिकट बुक कर ली है या आप कल का वेट कर रहे हो यार रिव्यू मिले इसके बाद आप जाओ देखो जाकर। तो बस भाई आप सबका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो अब वीडियो शायद से काफी लंबी हो चुकी है तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।